वैलैक दोस्तों दिस इज़ जुरेज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे V8 एड साउंड कार्ड की आ, मैंने जो है YouTube पे ख़ुद जब ये सीख रहा था V8 एड साउंड कार्ड के बारे में तो मैंने काफ़ी वीडियोस देखी और उनमें से एक भी वीडियो मेरी उस तरह हेल्पफुल नहीं थी क्योंकि वो जो वीडियोस थी उनमें उनको ख़ुद भी नहीं पता था कि ये बटन किस लिए यूज़ होते हैं जो ये रेड बटन है इनमें से कुछ बटन्स का तो आपको इफेक्ट कान में सुनाई देता है तो आप समझ सकते हो कि अच्छा ये वॉइस चेंजर है और ये रिवर्ब है यानी ये दो बटन जो होते हैं किसी किसी में कुछ और लिखा होता है लेकिन इसका पर्पज़ सेम होता है इसका तो आपको पता चल जाता है क्योंकि आपको आवाज़ सुनाई देती है लेकिन आ, आ, वैसे इसमें जो है ये होता है कि आ, इस बटन के बारे में सही यूट्यूब के एक भी वीडियो में सही नहीं बताया कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है सबसे पहले अगर जिनको नहीं पता कि ये क्या है तो उनके लिए मैं बेसिक इन्फॉमेशन जो बेसिक आ, इसको कैसे लगाते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ जल्दी से तो इसका ये है कि लाइव जो आपको दिखता होगा कि यहाँ पर लाइव वन है और लाइव टू है फिर बैकग्राउंड ट्रैक है फिर यहाँ पर दो किस्म के हेडफोन्स एयरफोन्स हेडफोन्स और यहाँ पर कंडेंसर माइक्रोफोन और डायनमिक माइक्रोफोन मैं आपको जल्दी से ये बताऊंगा कि लाइव जो है इस वक्त इस मोबाइल में कनेक्ट है तो जो मैं बोल रहा हूँ इसमें जो इफेक्ट इसमें आ रहा है वो लाइव के थ्रू मोबाइल में रिकॉर्ड होगा किसी भी कैमरे में मोबाइल में हो या वो कंप्यूटर में हो या जिस चीज़ में भी हो आपके कैमरे में हो तो उसमें रिकॉर्डिंग के लिए लाइव फिर लाइव टू आप किसी और चीज़ में यानी एक ही सिस्टम से आप एक ही आवाज़ जो है दो चीज़ों में सेम टाइम पर रिकॉर्ड कर सकते हैं ये आप लाइव कॉल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अभी मैं इसी मोबाइल से लाइव कॉल करूँ तो इसमें जो इफेक्ट्स होंगे जो इस माइक से आवाज़ जाएगी वो लाइव कॉल वाले को जाएगी तो आप लोगों को प्रैंक कर सकते हैं या जो भी आपने अभी करना है ऐसे फिर बैकग्राउंड ट्रैक का ये है कि बैकग्राउंड ट्रैक में जब आप डालेंगे ये ग तो वो अगर आप कंप्यूटर में या किसी भी ऐसी डिवाइस में जिसमें म्यूजिक को बैकग्राउंड ट्रैक आप रखना चाहें तो आप कर सकते हैं जैसे कि अभी मैं ये आपको आवाज़ आ रही होगी ये बैकग्राउंड के ट्रैक के थ्रू आ रही है ये मेरे कंप्यूटर में लगी है कंडेंसर माइक्रोफोन है अब वो इसमें लगा है और डायनेमिक माइक्रोफोन कंडेंसर माइक्रोफोन में ये है कि ये जो माइक है ये कंडेंसर माइक्रोफोन है कंडेंसर माइक्रोफोन जिनको नहीं पता वो ये होता है कि अभी इसमें जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन से आवाज़ आती है जैसे अभी मैं टॉप से बात करूँगा टॉप से आपको उस तरह आवाज़ नहीं आएगी या मैं साइड पर जाऊँगा तो आपको आवाज़ कम आने लग जाएगी अब आपको आवाज़ कम आ रही थी जब मैं साइड पर बात कर रहा था तो ये कंडेंसर माइक्रोफोन होता है जब डाई डायनेमिक माइक्रोफोन जो लिखा है वो ये वाला माइक होता है तो इन दोनों में फ़र्क है चलें अभी आगे जाते हैं आ, इन बटन्स के बारे में बात करने, ए, करते हैं तो सबसे पहले जो रिवर जिसको ऑटो ट्यून भी कहते हैं सबसे पहले आपको वो आ, उसका तो पता ही होगा एक बार में क्लिक करता हूँ तो ई तो मेजर e है ये इसमें अब मैं आप अगर आवाज करूँ तो ऑटो ट्यून होती है हेलो दोबारा क्लिक करूँ तो इसका ये पर्पज़ है कि इसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के टोन हैं उसके लिए आप ऑटोटून सेट कर सकते हैं जैसे कि बांसुरी है इसमें ये ई स्केल बांसुरी है अब इसमें ये है इस तरह इसमें जो जो साउंड का एक लेवल होता है ये इसका अपना वो होता है कि कौन सी वाली साउंड को आप जो है ऑटो ट्यून करना चाहते हैं तो उस वजह से आप दो तीन बार क्लिक करते हैं तो उस तरह होता है एक बार आप

और तो इस तरह इसमें चार वॉइज हैं दो जो है वो बहुत डीप हैं और फिर दो जो हैं वो ल, 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 लाइट हैं तो इनका तो आपको पता होगा लेकिन उसके अलावा जो बाकी बटन हैं उनका आपको नहीं पता होगा तो सबसे पहले मैं आपको उनका बताता हूँ अक्सर YouTube वीडियोस में मैंने देखा है वो वॉइस ओवर पे क्लिक करते हैं और कहते हैं वॉइस ओवर इसमें तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा मैंने वॉइस ओवर पे अभी क्लिक किया है लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा हाँ शायद उनको पता नहीं होता तो कहते हैं शायद आवाज़ क्लीन हो गई हो फिर वो एलिमिनेशन पे क्लिक करते हैं कहते हैं एलिमिनेशन पे भी हमने क्लिक किया है इसमें भी कोई फ़र्क हमें नहीं नज़र आ रहा सेम ही आवाज़ है आम, तो ये शायद एलिमिनेट वो समझते हैं कि एलिमिनेट शायद वो बैकग्राउंड नॉइज़ एलिमिनेट करता है या इस तरह कुछ लेकिन इसका ये प्रोसेस नहीं है इसका ये प्रोसेस है वॉइस ओवर इस तरह होता है वॉइस ओवर और एलिमिनेशन का ये दो बटन यानी ये वॉइस ओवर और ये एलिमिनेशन इसका ये काम है इसका बैकग्राउंड ट्रैक के साथ सारा काम है अब मैं जो है वीडियो बैकग्राउंड म्यूजिक लगाऊंगा तो अब मैं इसके साथ बात कर रहा हूं आवाज स्लो नहीं हो रही जब मैं वॉइस ओवर पे क्लिक करूंगा अब जब मैं बात करूंगा तो म्यूजिक ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा दोबारा जब मैं बात करूंगा फिर म्यूजिक ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा और जब मैं बात बंद करूंगा तो खुद ऊंचा हो जाएगा ये होता है बैकग्राउंड बै... वॉइस ओवर वॉइस ओवर तो इसका बैकग्राउंड के साथ ताल्लुक है अब एलिमिनेशन का क्या है एलिमिनेशन मेरी आवाज इन दोनों का मेरी आवाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ताल्लुक है अब मैं एलिमिनेशन का आपको दिखाऊंगा आपको आवाज आ रही है बैकग्राउंड म्यूजिक की ये मैंने एलिमिनेशन पे क्लिक कर दिया एलिमिनेशन से ये होता है जो बैकग्राउंड ट्रैक होता है एक म्यूजिक में वो रह जाता है और एलिमिनेट क्या हो जाता है यानी हट क्या जाता है जो बंदा गाना गा रहा होता है जो बंदा सिंगिंग कर रहा होता है उसकी आवाज़ हट जाती है तो आपके आगे सिर्फ ट्रैक रह जाता है सुने आप दख, ये म्यूज़िक रह जाता है और ये अगर आप करोकी करना चाह बनाना चाहते हैं या किसी खुद गाना चाहते हैं सिर्फ़ उसको ट्रैक को रहना पे आ, खुद आप गाना चाहते हैं तो ये उसके लिए एलिमिनेशन की है मेरा फेवरेट जो है इन बटन में से है वो है एम सी जिसका माइक के साथ ताल्लुक़ है अब मेरी आवाज़ कितनी शार्प आ रही है आपको जब मैं एम सी पे क्लिक करूँ अब मैंने एम सी पे क्लिक किया आपको मेरी आवाज़ कितनी डेंस और कितनी प्रोफेशनल लग रही है इसमें यह होता है एम सी में कि ये जो है आवाज़ को थोड़ा डेंस कर देता है थोड़ा जो है उसका जो शार्पनेस है वो रिमूव कर देता है अब मैं आपको एम सी के बगैर दोबारा सुनाता हूँ आवाज़ ये मेरी आवाज़ है एम सी के बग़ैर और ये अभी आवाज़ आएगी अभी ये आवाज़ है एम सी के साथ तो ये मेरा मेरा तो फेवरेट सबसे ये फिर इसमें एक अगला बटन है क्रैक क्रैक का मुझे इतना नहीं पता और ना मुझे वो पसंद है जब मैं क्रैक पर क्लिक करता हूँ तो मेरी आवाज़ शार्प सी हो जाती है या नॉर्मल होती है अभी क्रैक के बगैर ये क्रैक के बगैर है और ये अब क्रैक के साथ है मुझे तो डिफरेंस नहीं फी फील होता और इस ये एक बटन है वाद बटन है इसमें जिसका मुझे नहीं पता कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है मैं एम सी यूज़ करता हूँ और अगर इस बटन का क्रैक का जो आपको पता चला तो आप मुझे भी कमेंट्स में बता दीजिएगा कि किस चीज़ के लिए यूज़ होता है क्योंकि इसका मुझे अभी तक नहीं पता चला कि स्पेशली किस चीज़ के लिए यूज होता है लेकिन बाकी के जो इफेक्ट्स हैं वो आ, वो बहुत अच्छे हैं फिर आपको एको का तो पता ही होगा ऑफकोर्स एक् में आप ये कर सकते हैं आ, फिर इसमें बाकी जो है आ, बाकी इसमें साउंड इफेक्ट्स हैं उसका तो आपको पता होगा वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें था ये बटन्स के इसका जो है तरीका क्या है और इस ये किस तरह होता है मैंने काफ़ी सारी YouTube वीडियोस देखी उनमें से एक भी मेरी हेल्पफुल नहीं थी तो मैंने कहा मैं ख़ुद एक वीडियो दे दूँ YouTube पे जो इसके लिए हेल्पफुल हो कि लोगों को पता चले कि किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है आ, ज़्यादातर लोगों को ये पसंद नहीं आता क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि रियल में यूज़ कैसे करना है आप गलत बटन पे ये क्लिक कर आप किसी बटन पे क्लिक करेंगे और उसका आप छोड़ चाहते हैं लेकिन वो उसका प्रोसेस कुछ और है उसका जो है मकसद कुछ और है तो वो आपका काम आप नहीं करेगा आप एलिमिनेशन पे मैं क्लिक करूँगा और मैं चाहूँ कि मेरा बैकग्राउंड म्यूज जो नॉइज़ है वो एलिमिनेट हो वो नहीं होगा वो इस माइक का अपना सिस्टम है इसके साथ नहीं होता तो ये था ट्यूटोरियल अगर आपको ये पसंद आया आ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि मैं माइक के बारे में कंडेंसर माइक के बारे में रिव्यू दूं या और इस तरह की चीज़ के बारे में और या इसके बारे में कुछ और आपको फ़र्दर क्वेश्चन हो वो आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें फिर मिलेंगे अगली वीडियो में